सेल। हाँ आंटी कैसे दिया ये? किसको बोला? आंटी किसको बोला? ओ आप तो हॉट हैं। यूट्यूबर हूँ, रिव्यूज करती हूँ प्रोडक्ट का, ये मेरा जॉब है, प्रोफेशन है। चीजें इकट्ठा करते करते इतना ज्यादा हो गया कि ओवर फ्लड हो रहा है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का। आपको याद है लास्ट मंथ अराउंड मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने बोला था कि सामान मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ फ्रेंडशिप डे पे, पार्लर वालियों को दे रही हूँ। बहुत अच्छा लगा और ये ऑफ कैमरा मैं करती रहूंगी। साथ ही साथ मेरे व्यूअर्स ने बहुत सारा कमेंट किया कि आप उनको दे रहे हो, आपको जानते भी नहीं है, हम आपको जानते हैं, आपको हमें देना चाहिए। तो आप लोगों के लिए मैं ये सारे खूबसूरत से प्रोडक्ट्स गिव अवे कर रही हूँ। रूल्स क्या है, पार्टिसिपेट कैसे करना है, बेस्ट 5 विनर्स होंगे, इसके बारे में बैठ करके बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए, ये आप पा सकते हैं अगर आप रूल्स फॉलो करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो इतना सारा सामान तो मैं अकेले यूज कर नहीं सकती हूँ ना, तो मैं उन सारी चीजों को शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारे दुनिया में मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं, तो आप लोगों को खुश करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन हर एक को खुश नहीं कर पाऊंगी, बेस्ट 5 विनर्स होंगे, गिव अवे कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। मैं अपना मेकअप का सामान आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ रूल्स होंगे, वो अगर आप फॉलो करते हो तो रैंडमली बेस्ट 5 विनर को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप बन सकते हो विनर और पा सकते हो मेरा मेकअप का सामान। आपने देखा ही है मेरे पास बहुत सारा मेकअप का सामान है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप इसको बेच क्यों नहीं देते, आप सेल क्यों नहीं करते अपना मेकअप का सामान। एक बार को मैंने सोचा भी हाँ यार ये मेकअप का सामान बेच करके तो मैं कितना कमा सकती हूँ, पर मुझे एहसास हुआ मैं नहीं कमा सकती। क्यों? क्योंकि एक तरफ सामान मैं बेचूंगी तो कुछ 1,000-2,000 रुपए या 50,000 भी कमा लूं, लेकिन वही सामान मैं अपने सब्सक्राइबर्स को गिव अवे में देती हूं तो मैं उनका बहुत सारा प्यार कमाऊंगी। और उस प्यार के आगे वो कुछ 1,000 रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो मैं कमाने वाली हूं आपका प्यार, बेचूंगी नहीं, गिव अवे करूंगी। रूल्स आपको जरूर फॉलो करने चाहिए, गिव अवे जीतना है तो ठीक है। तो रूल्स मैं आपको बताती हूँ क्या है। सिंपल सा है, मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, मेरी वीडियो को कम से कम 30 लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मैंने वीडियो के ऊपर जो टाइटल दे रखा है, उस टाइटल पे क्लिक करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स दे रखे हैं, कम से कम 20 लिंक दे रखा होगा मैंने गिव अवे के लिए स्पेशली। तो उनमें से आप क्लिक कीजिए हर एक के ऊपर, चूज कीजिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है। बेस्ट 5 प्रोडक्ट्स आपको चूज करने हैं और इस बार 5 विनर्स होंगे। तो आप उन सारे प्रोडक्ट्स का नाम, पूरा नाम लिखना है सीक्वेंस वाइज कि नंबर 12 पे ये प्रोडक्ट है ये उसका नाम है, नंबर 14 या 17 पे ये प्रोडक्ट है उसका ये नाम है, और लास्ट में लिख दीजिए #BeNaturalGiveaway और एक छोटा सा रीजन दे दीजिए कि आप बी नेचुरल को क्यों प्यार करते हैं और क्यों देखते हैं हमारी वीडियोज को। इस तरीके से आप बी नेचुरल के साथ साथ मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस को भी क्यों प्यार करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा रूल अगर आप फॉलो कर लेते हो ना तो आप हकदार होते हो बी नेचुरल के बेस्ट प्रोडक्ट्स जीतने के लिए। सिंपल से रूल्स है ना, फॉलो कर ही लोगे आप। तो एक एक करके मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ जो कि बहुत क्यूट है, यूनिक है। आई एम श्योर आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी बहुत पसंद आएंगी, तो आप ये चीज़ें भी अपने लिए चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। पहला प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, बाय द वे इनमें से बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे स्टेक वर्की की, पर्पल की, NY बे, IMSDAM, इन सब की मेकअप वाली चीज़ें हैं ना, फ्लैट 50% ऑफ, 40% वेबसाइट पे ऑफ है और 10% आप कूपन कोड यूज़ करते तो आपको ऑफ मिल जाता है। और बाकी के प्रोडक्ट्स पे भी 20%-30% ऑफ तो आपको मिलता ही है। अगर आप किसी मॉल शोरूम स्टोर पे जाते हो तो आपको इतना ऑफर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जो लिंक्स मैं आपको दे रही हूँ वहाँ आपको मिल जाता है और जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत खूबसूरत है। तो आप चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट चाहिए, मेक श्योर नाम सबके सही होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा कॉस्मेटिक का सोल ऑफ ब्यूटी डीप सी मिनरल लाइन, और ये है बॉडी मोल्ड मास्क। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इसको यूज़ करके आप लोग को दिखाने के लिए। बहुत जल्द आने वाली वीडियोस में आपको इसका फुल डेमो दूंगी मैं। ये एक पील ऑफ मास्क की तरह होता है जो कि आपको अपने फेस पे ही नहीं, आप इसको अपनी पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस पैकेट के ऊपर दे रखा है कि आपको कैसे यूज करना है। अंदर से ये कुछ ऐसा सा दिखता है। इसके अंदर है स्टार्च, कैल्शियम सल्फेट, ग्लूकोज, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोलेजन को बूस्ट अप करता है और बहुत अच्छे से आपकी पूरी बॉडी में ग्लो लेकर के आ जाता है। मतलब पार्लर में जाके महंगे महंगे पील ऑफ या केमिकल पील ऑफ मास्क ट्राई करने से ज्यादा बेटर मैं आपको बोलूंगी ये वाला ऑप्शन है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे से पैकेजिंग में आपको मिल जाता है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं अपने लिए, स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए आप ये ट्राई कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ स्टूडियो फिनिश कॉम्पैक्ट पाउडर, इसकी पैकेजिंग आई जस्ट लव्ड इट। दिस इज वन ऑफ द हाई एंड ब्रांड, बहुत महंगे आते हैं लेकिन आप ये जीत सकते हो गिव अवे में, तो फटाफट से कॉमेंट कर दो।
और इसके ना ये ढक्कन पे मैग्नेट लगा हुआ है, ऐसे अपने आप बंद हो जाता है और ये मिरर के साथ आता है। इसके अंदर वैसे कोई एप्लीकेटर नहीं आता, आप इसको ब्रश से अच्छे से यूज़ कर सकते हो। पिगमेंटेशन इसका बहुत ही अच्छा है, स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड दिस लुक्स रियली एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है। और स्टूडियो फिनिश के जो कॉम्पैक्ट या कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट हाई एंड ब्रांड्स में काउंट होता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ अंडर आर्म डिटॉक्स एंड कलर करेक्शन मास्क। टी ट्री और पेपरमेंट ऑयल है इसके अंदर। इसकी बॉक्स की पैकेजिंग आउटर कुछ ऐसी है, और अंदर अगर आप खोल के देखते हो ना तो बहुत क्यूट सा गुल्लक जैसा कुछ निकलता है, बट एक्चुअली ये डिटॉक्स अंडर आर्म मास्क है। हम फेस के ऊपर बहुत सारा मास्क लगाते हैं पर अंडर आर्म्स में नहीं लगाते हैं। आप ये लगाओगे तो बाहर से खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है, और अंदर आपको कुछ ऐसा सा डिटॉक्स मास्क मिलता है। खुशबू बहुत ही ज्यादा सूदिंग है, स्ट्रांग है, मतलब अच्छा वाला स्ट्रांग है। खुशबू से डिटॉक्सिफिकेशन वाला फील आता है, एकदम चारकोल है इसके अंदर, और डेड स्किन के लेयर को हटाता है। स्किन लाइटिंग ब्राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ साथ लुक एट द पैकेजिंग, है ना कितना क्यूट कूल, जस्ट लव्ड इट। लगाने का एप्लीकेशन इतना सा है, जरा सा लेना है इसको। स्पैचुला से आप अपने अंडर आर्म्स में लगाओगे, थोड़ी देर के लिए रखोगे, उसके बाद वॉश ऑफ कर दोगे। आपके अंडर आर्म्स को रेगुलर यूज अगर आप करते हो तो लाइटर ब्राइटर करने में और बदबू को हटाने में, डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ धूल धूप प्रदूषण में जाने से अगर आपके फेस पे हो जाती है टैनिंग, तो आप मेरा उपटन फेस मास्क लगा सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन आप हॉस्टल में रहते हो, बिजी हो, वर्किंग वूमन हो, टाइम नहीं है DIYs का, तो आप रेडीमेड ये वाला भी ट्राई कर सकते हो। इसकी पैकेजिंग भी आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है। इसका नाम है डॉट एंड की स्किन केयर। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, उनकी पैकेजिंग, बस मैं यही बोलती रहूंगी वीडियोस में। ये भी एक्चुअली स्पैचुला के साथ आता है। ग्रीन कलर का आउटर पैकेजिंग है इसका, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सेफ है स्किन के लिए। अब जरूरी नहीं ये जो चीज़ रेडीमेड है वो बुरी ही होती है, नहीं, रेडीमेड कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हर्बल होती है, नेचुरल होती है, केमिकल्स नहीं होते हैं, और असर अच्छा दिखा के जाती है। और इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है। इसको मैंने एक बार यूज़ किया और एक बार में मुझे लगा कि हाँ यार, स्किन को काफ़ी अच्छा इसने स्मूथ कर दिया और टैन को हटाने में हेल्प करता है। एक्चुअली ये आपके स्किन को डिटैन करता है। मुझे इसका वर्क अपनी स्किन पे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप कुछ भी अपनी स्किन पे ट्राई करते हो तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर ले। जिद्दी से जिद्दी टैन को हटाने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाता है ये वाला पैक। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं डे और नाइट क्रीम के बारे में, बता दो, रिव्यू कर दो। मैं बहुत सारे डे एंड नाइट क्रीम आप लोगों को रेकमेंड कर चुकी हूँ। उनमें से अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया है या सूट नहीं किया, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है, अलग अलग चीज़ें आपकी स्किन पे सूट करती हैं, तो आप ये वाला डे एंड नाइट क्रीम ट्राई कर सकते हो। ये एक ऐसा बॉटल है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी पैकेजिंग देखी है जिसके अंदर आपको डे वाली क्रीम भी मिलती है और नाइट वाली क्रीम भी मिलती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो दो अलग बॉटल आपको बैग में डालने की ज़रूरत नहीं है, या फटाफट से बस एक ही बॉटल उठाओ, डे की क्रीम भी मिल जाएगी, नाइट की क्रीम भी मिल जाएगी। अच्छे से स्किन के अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाता है, ग्रीजी नहीं लगता है, एकदम नॉन स्टिकी, और फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी आती है, एंड यू आर लव द पैकेजिंग। दो बातों का ध्यान आपको रखना होता है अगर आप डे क्रीम लगा रहे हो, तो उसके अंदर SPF 50 होना चाहिए, PA++ होना चाहिए, जो कि इसके अंदर है। जब आप नाइट क्रीम लगाते हो तो उसके अंदर होना चाहिए हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई, लाइट वेट और नॉन स्टिकी होना चाहिए, जो कि इसके अंदर है। डे और नाइट क्रीम की जो दो खूबी होती है वो इस वाले में मिल जाती है आपको, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अनलॉका मिक्सीफाई डे एंड नाइट क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड है, हाई एंड ब्रांड है, स्टिल आपको ऑफर मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। आपको पता है मुझे फाउंडेशन डेली बेसिस पे लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ बीबी क्रीम लगाओ, सीसी क्रीम लगाओ, या सिर्फ कंसीलर लगा लो, लेकिन अभी मैं आपको ऐसा फाउंडेशन दिखाने वाली हूँ जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा सा है ना कि आप उसे डेली बेसिस पे लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई है और SPF भी है, और साथ ही साथ ये ऑयल फ्री है। कौन सा वाला है? वो है कलर बार का, ये वाला। लुक एट दिस पैकेजिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पैकेजिंग वाइज बात करें तो लॉन्ग स्टे है, ये पंप बॉटल के पैकेजिंग में आता है, तो इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान है। मतलब थोड़ा हाइजीनिक सा लगता है कि आप बस पंप करो, यूज करो, मतलब फिंगर्स आपको इसमें डिप करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर स्पैचुला डिप करने की जरूरत नहीं है, सीधा लो, फेस पे लगाओ और काम खत्म। और अगर आप ये यूज करोगे ना तो आपके सारे फ्रेंड्स पूछेंगे, वाओ क्या फाउंडेशन है, क्या पैकेजिंग है, मतलब है ना ये क्यूट। कितनी बार इस वीडियो में मैं क्यूट बोलने वाली हूँ वो कमेंट करके आप बताना, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स ही कुछ ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और वंडरफुल पैकेजिंग। ये दोनों वर्ड्स मैं बहुत यूज़ करने वाली हूँ आज की वीडियो में, ये है मेरा आज का डिस्क्लेमर।
फाउंडेशन की बात कर ही रहे हैं तो लेट मी शो यू दिस अगेन क्यूट फाउंडेशन। तो इसकी पैकेजिंग, ओ माय गॉड, ये ग्लास बॉटल की पैकेजिंग में आता है। ऊपर आपको सॉफ्ट रबर सा मिल जाएगा इसका हैंडल, और ये है इस तरीके से ड्रॉपर के फॉर्म में। तो ये ड्रॉपर ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह मेकअप करते हैं, कुछ ऐसे ड्रॉपर से डॉट 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 लगा के फाउंडेशन लगाते हैं। ये कुछ वैसा सा इंस्पायर्ड पैकेजिंग इसकी लग रही है मुझे, जस्ट लव इट। इसका भी फॉर्मूला बहुत अच्छा है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, स्किन को इवन टोन देता है, और एक हल्का सा ग्लो के साथ ही फाउंडेशन वर्क करता है आपके स्किन के ऊपर। और ये सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं है, ये इसके अंदर सीरम का भी फॉर्मूला है। तो सीरम है तो मॉइस्चराइज भी करता है आपकी स्किन को, स्किन के लिए अच्छा होता है, और फाउंडेशन भी, जिससे आपको अच्छी कवरेज भी मिल जाती है। अब मैं आपको ना एकदम हटके फाउंडेशन दिखाने वाली हूँ। ये ग्लैम गर्ल का फाउंडेशन है, देखो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। यहाँ से आप पुश करके इसको बाहर निकालते हो, और उसके बाद लुक एट दिस, ये लग रहा है फाउंडेशन ही, कुछ और ही लग रहा है। तो यहाँ से आप इसको निकालोगे, ये आपको ब्रश दिख रहा है, पीछे से आप इसको पुश करोगे, ब्रश के अंदर से निकलेगा फाउंडेशन, और सीधा आप अपने फेस स्किन के ऊपर ऐसे लगाना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब फाउंडेशन विद ब्रश आपको मिल जाता है। एले गर्ल का ऐसा कंसीलर देखा है ना, कुछ कुछ वैसा सही है, लेकिन ये फाउंडेशन है और थोड़ा बड़े पैकेजिंग में है, और ये भी बहुत क्यूट है। एक और बार बोला, इतने सारे फाउंडेशन के बाद बारी आती है मैट सेटिंग स्प्रे की, वेट एंड वाइल्ड का है। इसकी भी पैकेजिंग बहुत क्यूट है। यह फोटो फोकस मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे, मतलब ट्रेवल फ्रेंडली है, बहुत छोटी सी पैकेजिंग है और पंप पैकेजिंग में है। इस तरीके से फिस फिस स्प्रे करोगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो हाईली रिकमेंड करती हूँ इसकी पैकेजिंग की वजह से, इसकी वर्क की वजह से भी। ये सारी चीज़ें सिर्फ क्यूट ही नहीं है, ये बहुत ही अच्छा वर्क भी करती हैं, तभी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इनमें से चूज़ कर पाओ कि आपको कौन सा वाला चाहिए। एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है। नॉन कोमेडोजेनिक नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो सुन लो। इस टाइप का आपको स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि वो आपको पिंपल्स आने नहीं देते हैं आपके स्किन के ऊपर, और ये वाला बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है स्किन को। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन। सेटाफिल का फेस वॉश हो, मॉइस्चराइजर हो, लोशन हो, बहुत अच्छा होता है, नंबर वन होता है। आप ये जरूर ट्राई कीजिए, पंप बॉटल की पैकेजिंग में आता है। मैंने बहुत बड़ा बॉक्स मंगा लिया है और ये बहुत ज्यादा चलने वाला है, दिनों तक मेरा साथ निभाने वाला है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो गिव अवे में, अगर आप जीतना चाहते हो तो। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ लैक्मे का एलोवेरा जेल। मतलब आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि लैक्मे ने अपना एलोवेरा जेल लॉन्च किया था, जब इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये आप मेकअप करने से पहले स्किन पे एज अ सीरम, एज अ प्राइमर, एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। तो आप गिव अवे में ये भी अपने लिए ज़रूर ऑप्ट करें। लेफ्ट नेक्स्ट मैं आपको चंदन पाउडर फेस पैक दिखा रही हूँ। ये एकदम हाई एंड ब्रांड है, 700 रुपए का है, और नॉर्मल लाइफ में मुझे नहीं लगता हम लोग 700 रुपए का फेस पैक खरीदेंगे सैंडलवुड पाउडर, बट क्योंकि ये 100% प्योर है, एकदम नेचुरल है, और इजीली अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड एडिशन होता है। पैकेजिंग भी इसकी बहुत प्यारी है। तो गाइज, अगर आप ये जीतना चाहते हैं गिव अवे में, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको स्पेशली बोलूंगी, मेरा फेवरेट है ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको स्मोकी आई लुक बहुत पसंद है, तो आप लॉरियल का ये वाला काजल ट्राई कर सकते हैं स्मोकी लुक पाने के लिए। तो ये भी आपको बहुत महंगा मिलता है, लेकिन डिस्काउंट की बात और गिव अवे में तो आपको फ्री में ही मिल जाएगा, तो ये भी आप टेस्ट कर सकते हैं। गाइज, ये तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि मुझे पसंद आए, मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपको रेकमेंड किया। इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको गिव अवे करना चाहती हूँ, लेकिन एक एक चीज़ अगर मैं दिखाने आपको बैठगी ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको तो पता ही है मेरे पास कितना सारा मेकअप का सामान है, तो मैं उन सबका लिंक दे रही हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाई हूँ। आप उन सबको जाइए, क्लिक कीजिए, चेक कीजिए, पसंद आए तो उसका नाम मेंशन कीजिए कमेंट में। बट याद रखिए, सिर्फ 5 विनर्स होंगे, और ये सारे गिव अवे का सामान आपको डिलीवर होते होते ना कम से कम 20 दिन लगते हैं। लोगों का नाम जब मैं अनाउंस कर देती हूँ कि सो एंड सो विनर है, तो वो अगले ही दिन मेरे को कमेंट करके बोलने लग जाते, दीदी हमें नहीं मिला, कब मिलेगा कब मिलेगा। थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंतजार करती हूँ कि सबका एक बार रिस्पॉन्स आ जाए, फिर एक साथ सबको डिस्पैच करवाती हूँ, तो उसमें टाइम लगता है गाइज। तो 20 दिन तो कम से कम मान के आप चलिए, ठीक है। तो देखते हैं कौन जीतता है, जो जीते उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो ना जीत पाए वो अगली बार ज़रूर ट्राई कीजिए, प्लीज़ आप उदास ना हो, ठीक है। इसी तरीके से बिना शो को प्यार करते रहा कीजिए, मैं आप लोगों को इसी तरीके से गिव अवेज के थ्रू अपना प्यार एज अ रिटर्न गिफ्ट देती रहूंगी। मैं आपसे फिर मिलती हूँ और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए आपने मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरा ब्लॉग चैनल हस्बैंड के साथ जो है उसको अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।